हे प्रभु, हे जीवन के स्रोत, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा एवं स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन सब वरदानों एवं कृपाओं के लिए जिसे आपने हमें प्रदान किया है। हम धन्यवाद देते हैं अपने जीवन के लिए, अपने माता पिता, भाई बहन एवं अपने परिवार के हर एक सदस्यों के लिए जिसे आपने पूरे साल संभाल कर रखा। हर दुख व परेशानियों में हमारा साथ दिया। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। हे प्रेमी प्रभु, हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन में आए हर एक वरदान के लिए जो 2020 में पाई हर एक आशीष व कृपा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आपने हमें संभाल कर रखा जिससे हम आपकी महिमा एवं आराधना कर सके। हे दयालु प्रभु, विशेष रूप से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें कोरोना वायरस से बचाए रखा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के हर एक प्रकार की विपत्तियां, कमजोरियों, कष्ट एवं रोगों के समय आप हमारे साथ रहा और हमें धैर्य दिया। हे प्रभु, असफलताओं, अपमानों एवं आर्थिक नुकसानों से हम गुजरते समय आप हमें सांत्वना दी और हम अपने पूरे दिल व मन से आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र वचन द्वारा हमसे बातें करने के लिए और हमें प्यार करने के लिए, हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति व आराधना करते हैं। पेज नंबर 490। मेरा जीवन तुम्हारा है प्रभु, तू ही मेरे जीने का सहारा है प्रभु। मेरा जीवन तुम्हारा सहारा है प्रभु। तूने मुझे जीवन दिया, तेरा प्यार मुझे
जीवन प्रभु, तू ही मेरे जीने का सहारा है प्रभु। मेरा जीवन तुम्हारा है प्रभु, तू ही मेरे जीने का सहारा है प्रभु। मेरा जीवन तुम्हारा है प्रभु, तू ही मेरे जीने का सहारा है प्रभु। अभी हम सब अपने शब्दों द्वारा ईश्वर को धन्यवाद दें जो हमने इस वर्ष में ईश्वर से पाया है। हम हर एक कृपा व आशीष के लिए धन्यवाद दें और कहें, धन्यवाद हे दयालु पिता, तेरी महिमा हो सदा सर्वदा। धन्यवाद हे दयालु पिता, तेरी महिमा हो सदा सर्वदा। हे प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं सभी कृपाओं व आशीषों के लिए जिसे हमने 2020 में आपसे पाया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हे दयालु पिता, तेरी महिमा हो सदा सर्वदा। हे प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे माता पिता के लिए जिसे आपने संभाल कर रखा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हे दयालु पिता, तेरी महिमा हो सदा सर्वदा। हम धन्यवाद देते हैं हमारे सेंट जोसेफ पल्ली के लिए और इस पल्ली से जुड़े हर एक सदस्यों के लिए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हे दयालु पिता, तेरी महिमा हो सदा सर्वदा। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उन सब आशीषों के लिए जिसे हमने आपसे पाया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हे दयालु पिता, तेरी महिमा हो सदा सर्वदा। हे परम दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यहाँ एकत्र किया जिससे हम आपकी आराधना करें। हे पिता, आपने हमें अपने प्रेम से बांधे रखा और अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हे दयालु पिता, तेरी महिमा हो सदा सर्वदा।
उन्हें बीमारियों से सुरक्षित रखा और बहुत सारी कृपाओं से भर दिया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हे दयालु पिता, तेरी महिमा हो सदा सर्वदा। हे दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सभी स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए जो उदारता पूर्वक हमारे सभी रोगियों पर अपनी दया दिखा रहे हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हे पिता, धन्यवाद हे दयालु पिता, तेरी महिमा हो सदा सर्वदा। धन्यवाद हे दयालु पिता, तेरी महिमा हो सदा सर्वदा। धन्यवाद हे दयालु पिता, तेरी महिमा हो सदा सर्वदा। हे प्यारे यीशु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस पवित्र घड़ी में एकत्र किया। हे प्यारे यीशु जी, जब हम कष्टों परेशानियों में थे तो आपने हमें संभाल कर रखा और हमें कष्टों से बाहर निकाला। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हे दयालु पिता, तेरी महिमा हो सदा सर्वदा। हे दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हे पिता, इस साल में आपने हमें बहुत प्रेम से संभाल कर रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हे दयालु पिता, तेरी महिमा हो सदा सर्वदा। हे दयालु पिता, हम आपको इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। हे पिता, आपने हमें इस महामारी के समय डॉक्टर्स और नर्सेस प्रदान किए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हे दयालु पिता, तेरी महिमा हो सदा सर्वदा। हे प्यारे यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए। हे यीशु, आपने हमें इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रखे और हमें अपने प्यार से भर दिए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हे दयालु पिता, तेरी महिमा हो सदा सर्वदा। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आराधना करने का समय प्रदान किया है। हे परमेश्वर, आपने हमें इस साल संभाल कर सुरक्षित रखा,
इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हे दयालु पिता, तेरी महिमा हो सदा सर्वदा। पेज नंबर 138, पेज नंबर 138। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुराए निर्बल को, तूने चुराए निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। हे प्रभु, तूने हमें क्षमा करना सिखाया है। क्रूस पर घोर यातनाएं सहते समय भी तूने अपने दुश्मनों को क्षमा करते हुए प्रार्थना की है। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति दे कि हम भी सारे दिल से दूसरों को क्षमा कर सकें। हे प्रभु, हम आपसे क्षमा मांगते हैं उस समय के लिए जब हमने दूसरों की मदद नहीं की। विशेषकर हम आपसे क्षमा मांगते हैं उस पल के लिए जब हमने अपने गरीब भाई व बहन की मदद नहीं की, बल्कि उनसे अपना मुंह मोड़ लिया और इस कोरोना वायरस में दूसरों को न देखते हुए भी हमने बस अपने आप को सोचा है। हम दूसरों की मदद करना, अपना सहयोग देना भूल गए। हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ कर दीजिए और अपने पवित्र लहू से हमें पवित्र कर एक अच्छा कैथलिक बनने की शक्ति प्रदान कीजिए। अभी हम सब
ईश्वर तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे और इस आने वाले साल 2021 के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने इस संत जोसेफ पल्ली के हर एक परिवार के लिए और हर एक सदस्य के लिए। हम प्रार्थना करें सभी फादर्स व सिस्टर्स के लिए तथा अन्य सभी जरूरतों के लिए, विशेष रूप से हम सभी बीमारों के लिए जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उन सभी को ईश्वर के चरणों में रखते हुए हम प्रार्थना करें जो इस संसार से चल बसे हैं। तो आइए हम थोड़ी देर शांत होकर इन सभी मतलबों के लिए प्रार्थना करें। पेज नंबर 227, डबल 27। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया आइए अभी हम सब ईश्वर का वचन सुने और उस पर मनन चिंतन करें।
संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 11 से 19 तक। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याचकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा और वह समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ईश्वर को। दस कोड़ियों के उदाहरण के द्वारा प्रभु येसु हमें सिखाते हैं कि हर बात में हमें ईश्वर को धन्यवाद देना कितना महत्वपूर्ण है। हम अभी पवित्र वचन में कोड़ियों का उदाहरण सुन चुके हैं। आज समाज में कोड़ियों की स्थिति हम सब भली भांति जानते हैं। प्रभु येसु के जमाने में उनकी स्थिति इसे कई गुणा कठिन था। जब किसी को कोढ़ की बीमारी आती है, उन्हें अपने घर से निकालते थे, क्योंकि इस बीमारी को एक शाप जैसा समझते थे। वे कभी समाज का मुख्य धारा में नहीं आते थे। वे अपने अधिकारों से वंचित रहते थे। उनको लोगों के पास आने का अनुमति तक नहीं थी। ऐसे हालत में 10 कोड़ियों का एक झुंड कुछ दूरी से प्रभु येसु को देखा। वे येसु के बारे में जानते थे कि वह चमत्कार करने वाला और चंगाई देने वाला मुक्तिदाता है। इसलिए वे उन्हें देखते ही चिल्ला उठा, गुरुवर, हम पर दया कीजिए। प्रभु येसु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे अपने कष्ट में विश्वास के साथ दिल से प्रभु येसु को पुकार रहे थे। परंतु येसु ने उन्हें तुरंत चंगाई नहीं दिया, पर कहा, जाओ और अपने को याचकों को दिखाओ। प्रभु येसु के कहने पर वे जल्दी से याचक के पास चले गए। इसे स्पष्ट होता है कि वे प्रभु येसु के वचन पर विश्वास किया। उन दिनों उधर का नियम ऐसे था, जब कोई कोढ़ी अपने बीमारी से चंगा होता है, उन्हें याचक प्रमाणित करके पत्र देते हैं। जब वे रास्ते में थे, वे निरोग हो गए। उसमें से एक जब ये महसूस किया अपने शरीर में वो निरोग हो गया, तब ऊंचे स्वर से प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु येसु के पास लौट आया। वो याचक से प्रमाण पत्र लेने के पहले ही येसु को धन्यवाद देने येसु के पास आया।
उन्होंने अपनी चंगाई को लोगों के सामने घोषित किया और धन्यवाद देते हुए प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा। प्रभु उनसे पूछते हैं, बाकी नौ कहाँ हैं? इसे स्पष्ट होता है, जब हम प्रभु से कृपाएं प्राप्त करते हैं, हमें प्रभु के प्रति आभारी भी प्रकट करना चाहिए। प्रभु यीशु हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनको हर बात में धन्यवाद दें। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम हर क्षण प्रभु से कृपाएं प्राप्त करते हैं और हम में से अधिकतर लोग इसका कोई परवाह नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई परेशानियां आते हैं, विकट स्थितियां आते हैं, तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं कि प्रभु हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ। हमारे जीवन प्रभु की उपस्थिति को अक्सर भूल जाते हैं। जब 10 कोड़ियों को चंगाई मिली, उनमें से अधिकतर लोग प्रभु को धन्यवाद देने के लिए उनके पास लौट नहीं आया। प्रभु यीशु को इसका एहसास हुआ और उन्होंने पूछा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? अभी हमारा वक्त है अपने आप से पूछने के लिए कि दिए हुए वरदानों के लिए मैंने प्रभु को आभार प्रकट किया है। पाप को छोड़ मेरा सब कुछ प्रभु का वरदान है। मुझे बारंबार प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। अन्य वर्षों के विपरीत हम इस वर्ष कोरोना वायरस के चपेट से गुजर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास करती हूँ कि यह पैंडेमिक पीरियड प्रभु का दिया हुआ एक विशेष समय है कि हम अपने को सुधारें और प्रभु के पास वापस आए और प्रभु को अपना जीवन में प्रथम स्थान दे। वही हमें संभालेगा और हमें अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। जैसे जैसे हम 2020 की आखिरी घड़ी पहुंच रहे हैं, प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद दे, क्योंकि हम प्रभु की महिमा के लिए अभी भी जीवित हैं। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु के सामने हम अपना दिल खोलें और आभार प्रकट करें। हम अपना आभार प्रकट करते हुए गाएंगे पेज नंबर 387। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा
संसार के प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता और प्रभु मानते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तूने हमें प्यार किया है और हमारे पापों के लिए अपना जीवन क्रूस पर अर्पित किया है। इसलिए हम आपको ये आने वाला साल 2021 अर्पित करते हैं। हे प्रभु, हम अपना जीवन, अपना परिवार, अपने माता पिता, भाई बहन, धन संपत्ति, काम धंधा, सब कुछ तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हम हमारे पल्ली पुरोहित फादर बिनोई, सभी फादर्स सिस्टर्स, हमारी पल्ली के हर एक सदस्य एवं यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, हमारे साथ रहना, जिससे कि हम इस आने वाले साल में हम अपना जीवन अच्छे व खुशी के साथ जी सकें। आपकी आशीषें हमारे जीवन और परिवार में हो। हमें कृपा दे कि हम इस 2021 में तेरी इच्छा के अनुसार जी सकें और जो कुछ भी हमारे जीवन में होने वाला है उन सब को सहने की शक्ति व बल हमें प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हमारे जीवन के हर दुख तकलीफों में हमारा साथ देना और अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरपूर शक्ति व बल देकर हमारी रक्षा व कृपा करना, जिससे हम इस आने वाले साल 2021 में एक अच्छा इंसान बनकर जी सकें और आपको हमेशा धन्यवाद देते रहें। हम आपको दूसरों में देख सकें और उनकी कुछ मदद कर सकें। समाये संस्कार को धन्यवाद बारंबार इस महान संस्कार को विधि विधि का उतार हो नवरी का विस्तार
तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है। इसमें सब आनंद कर मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने ये सद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य अति पवित्र मरिया ईश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुवारी और माता मरिया का नाम, धन्य कुवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अतिशुद्ध वर संत योसेफ, धन्य उसका अतिशुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। ता प्रभु तेरा आभार मन मेरा शत शत बार सांसों की मेरी स्वर्गम नमन करे वारंवार। गाता प्रभु तेरा आभार बागों के फूलों से आकाश के पक्षियों से ज्यादा प्यार तूने को है तूने सजाया। गाता प्रभु तेरा आभार मन में रशद शद बार सांसों की मेरी सरगम नमन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार
कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज की स्मृतसा बलिदान में हम विशेष रूप से मृद फादर पीटर बेरियवल की आत्मशांति के लिए प्रार्थना करें, साथ ही साथ मिस्टर अर्मा एवं क्लारा सन्नी की आत्मशांति के लिए हम प्रार्थना करें। आज के इस मिसा बलिदान विशेष रूप से हम स्वर्गीय मदन खालको की आत्मशांति के लिए प्रार्थना करें एवं उनके परिवार में ईश्वर की विशेष आशीष एवं कृपा होने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। साथ ही साथ दीप लकड़ा एवं परिवार धन्यवाद के रूप में इस मिसा बलिदान को चढ़ा रहे हैं। आइए हम सभी अपने दिलों को प्रभु के साथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए इस मिसा बलिदान में योग रीति से भाग ले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु येसु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्रिस्त जयंती के इस अवसर पर हम साल के आखिरी तक पहुंच गए हैं। प्रभु से जुड़कर हम पूरी साल अपना जीवन बिताया और ईश्वर ने हम सभी को अनगिनत वरदानों से भर दिया है। हमारे जीवन में बहुत सारे खुशियाँ, बहुत सारे सफलताएं प्रभु ने हमें प्रदान किया है और साथ ही साथ हमें कुछ दुख भी सहना पड़ा। उन सभी दुखों को, उन सभी सफलताओं को आज हम प्रभु के सामने चढ़ाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु येसु मानव बनकर इस दुनिया में आए ताकि हम ईश्वर बन जाए। जो ईश्वर आदि से लेकर अनंत काल तक रहने वाला, काल के अनुसार गिनने लगा प्रभु येसु इस दुनिया में जन्म लेकर, ताकि हम ईश्वर के साथ मिल जाए और ईश्वर से जुड़ जाए और ईश्वर बनने की कोशिश करें। हम अपने जीवन में सुधार लाकर प्रभु से जुड़कर ईश्वर बन सकते हैं। और आइए इस अवसर पर, विशेष रूप से इस साल की आखिरी दिन पर, आखिरी घंटों में हम ईश्वर से जुड़ जाए और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में अपने जीवन में, हमारे जीवन में खुशियां भर दे और हम अपने परिवारों को और हमारे लोगों को, हमसे जुड़े हुए सभी लोगों को प्रभु के सामने समर्पित करें और उन सभी के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सबको खुश रखे, हमारे जीवन में ईश्वर प्रेम और मानवीय प्रेम से आगे बढ़ने के लिए ईश्वर हमें ताकत प्रदान करें। तो आइए हम अपने पापों को, गलतियों को हम प्रभु के सामने रखते हुए इस मिसा बलिदान में योग रीति से भाग लें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं कन्या कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। Thank you.
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वतेश्वर, तेरे पुत्र के जन्म से सारी धर्मनिष्ठा प्रारंभ होती और पूर्णता प्राप्त करती है। हमारी प्रार्थना है कि हमें उन्हीं प्रभु क्रिस्त के सहभागी बना जो समस्त मानव मुक्ति का स्रोत है। वे ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। तुम लोगों को पवित्र आत्मा मिला है और तुम सब सत्य जानते हो। वचन से आज हम सुनेंगे संत योहन के पहले पत्र से। बच्चों, ये अंतिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एक मसीह विरोधी का आना अनिवार्य है। अब तक अनेक मसीह विरोधी प्रकट हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय आ गया है। वे मसीह विरोधी हमारा साथ छोड़कर चले गए, किंतु वे हमारे अपने नहीं थे। यदि वे हमारे अपने होते तो वे हमारे ही साथ रहते। वे चले गए जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि उनमें कोई भी हमारा अपना नहीं था। तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है और तुम सब सत्य जानते हो। मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि तुम सत्य नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम सत्य जानते हो और यह भी जानते हो कि हर झूठ सत्य का विरोधी है। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सुने के राजा वार डोले भैया रुपे।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वे आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वे ज्योति अंधकार में चमकती रहती हैं, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वे साक्षी के रूप में आया, जिसने वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वे स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वे संसार में आ रहा था, वे संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वे अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। वे ना तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी। वे पिता की इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। योहन ने पुकार पुकार कर उसके विषय में साक्ष्य दिया, ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले हैं। उसकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा के द्वारा दी गई, किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्ट की जय। सुसमाचार का शब्द हमारे पापों को मिटा दे, आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मिसा बलिदान के पहले हमने धन्यवाद की आराधना में भाग लिया और अब हम धन्यवाद के इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं। संत योहन का पहला पत्र से आज का पहले पाठ में शुरुआत ऐसे है कि बच्चों, ये अंतिम समय है। और अंतिम समय जो संत योहन ने कहा है, प्रभु की आगमन की, और हम आज 2020 का अंतिम समय के और बढ़ रहे हैं। कुछ ही घंटे में हम 2021 में प्रवेश करेंगे और 2020 के लिए हमने ईश्वर को धन्यवाद दिया। 2021 को हमने प्रभु के सामने रख दिया। अगर हम अपने जीवन की और पीछे मुड़ के देखें 2020 की तरह इस क्षण तक, तो शायद हम सोचें कि इसमें धन्यवाद देने के लिए इतना ज़्यादा क्या है, कुछ खास हुआ नहीं है। बीमारी, दुख तकलीफ, काम धंधे छूट जाना, आर्थिक खराबी, ये सब 2020 में हमारे सामने आए, क्यों हम धन्यवाद दें। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, अगर हम 2020 की ओर गहराई से देखें तो धन्यवाद देना उचित और आवश्यक है। इफ यू लुक एट 2020,
We may think that there is nothing much to thank God because we know the pandemic, the difficulties, the problems, the issues. But if we look deeply into 2020, we have a reason to thank God. वे क्या हैं? क्योंकि हो सकता है कि 2020 ऐसे एक साल है जिसमें हमने सबसे ज़्यादा टाइम समय अपने परिवार के साथ बीता है. 2020 was an year where we spent more time with our family members. 2020 ऐसा एक समय था जहाँ पर हम व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा ईश्वर से जुड़े थे. Perhaps 2020 was a time that we had more opportunities to interact with God, to spend time with God, to spend time for God. क्या इतना काफी नहीं है कि धन्यवाद देने के लिए? Doesn't it enough that we have sufficient reason to thank God? तो प्रिय भाई और बहनों, और गहराई से हम देखें, कहीं कहीं बदलाव लाने का इस समय है कि एक साल खत्म हो रहे हैं, दूसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं. बदलाव कहां पर लाना है? तीन मुख्य बातों पर हमें ध्यान देना जरूरत है. क्या बीते हुए साल में हम अपने साथ न्याय किया है, अन्याय किया है? दूसरों के साथ न्याय किया है या अन्याय किया है? ईश्वर के साथ न्याय किया है या अन्याय किया है? Have I done justice to oneself? Have I done justice to my brothers and sisters? Have I practiced justice with God? क्या हम अपने साथ न्याय या अन्याय किया है? अपने आप को कैसे बीते हुए साल में अपना जीवन बिताया? अपनी इच्छाओं के, वासनाओं के विरुद्ध क्या हमने अपने जीवन को सही तरीके से आगे ले चला? मनन चिंतन करने से हमें मालूम पड़ेगा कहां हम क्या क्या अधूरा रह गया है. ईश्वर को धन्यवाद देते हुए बदलाव लाने के समय है कि अपने आप में बदलाव लाना. दूसरी बात है, डिड आई प्रैक्टिस जस्टिस विथ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? क्या हमें अपने भाई बहनों के साथ न्याय किया है, अन्याय किया है? क्या हमारा रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं परिवार में और समाज में सुधार आया है कि या और सुधार लाने की जरूरत है? अगर यहां पर कोई कमी रह गया है तो उसे निपटाने का टाइम आ गया है. और सर्वप्रथम, क्या मैंने ईश्वर के साथ अपने जीवन बिताया है? पीछे मुड़ के देखने का टाइम है. Did I establish a more deeper relation with God? प्रिय भाई और बहनों, इन मुख्य तीन बातों पर आइए हम मन चिंतन करें और जहां पर सुधार लाने की जरूरत है सुधार लाने की कोशिश करें और खुशी के साथ, सच्चाई के साथ प्रभु यीशु रूपी ज्योति को ग्रहण करते हुए नए साल में प्रवेश करने के लिए कोशिश करें, ताकि हमारी ज्योति चमकती रहे, क्रिस्त की ज्योति हम में से प्रत्येक से दूसरों तक पहुंच जाए और हम सब सचमुच प्रभु यीशु के अनुयायी कहलाने के लिए योग्य बन जाए. आइए हम प्रभु से इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें. आमेन.
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तू सच्ची शांति और भक्ति का उद्गम है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम इस दानों द्वारा समुचित रीति से तेरी आराधना करें और पवित्र संस्कार ग्रहण कर एकता के अटूट बंधन में बंध जाए, अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे, क्योंकि जब इन्होंने शरीर धारण किया तो हमारे सामने तेरी महिमा की नई ज्योति चमकने लगी कि अपने ईश्वर ने प्रत्यक्ष दर्शन से हमारा हृदय आलोकित वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरी गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु येसु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्रित करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु येसु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम युग्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को येसु सोचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ विराएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की भाँट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस जड़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है, ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आल्बर्ट, सभी धर्माध्यक्षों, याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्र कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएँ कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जगह कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृदु भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु येसु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हमें आज हमें दे,
और हमारा अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अभी परम प्रसाद का समय है। परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए केवल कैथोलिक ईसाई जिन्होंने अपने आप को तैयार किया है वही आगे आइए। बाकी अभी अपने जगह पर बैठकर प्रार्थना कीजिए। ईश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करेंगे।
यीशु वचन वर्ष में प्रार्थना। प्रेमी पिता, हमें तेरे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। अपने वचन द्वारा आपने अपने को प्रकट किया है और वचन देह बनकर हमारे बीच रहने के रहस्य द्वारा हमें कृपा और सत्य से भर दिया है, इसलिए कि हम तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त की महिमा में तेरी बड़ाई और अनुकंपा का दर्शन पाए। आपने हमें अपने अपार प्रेम से अपने पुत्र पुत्रियां बनाया है। ऐसा कीजिए कि हम आपके वचन को सब प्रेम स्वीकार करें और आपकी आत्मा से पोषित किए जाएं। हम अपने जीवन तथा व्यवहार से आपके वचन का पालन करें। हमें सफल बना कि हम आपके प्रेम वचन की भली भांति घोषणा करें। आपका वचन हमें ज्योति प्रदान करें और हमारा पद आलोकित करें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। मरिया देहधारी वचन की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन। प्रेयर फॉर द कंट्रोल ऑफ कोरोना वायरस। ऑलमाइटी एंड मर्सीफुल गॉड, हु शो योर लव टू ऑल क्रिएशन एवरीवेयर, हियर ग्रेशियसली द प्रेयर्स we make for all those affected by the coronavirus in various parts of the world. We come before you asking for a quick control of the outbreak, for a healing of those affected, for the victims and their families. We pray for the caregivers, the doctors, nurses and attendants, that they are protected from the infection and strengthened in spirit. We pray for the scientists doing research that an effective vaccine to combat the sickness is speedily found. We pray for the government and health authorities that they take appropriate steps for the good of the people. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. आज की पवित्र आराधना कंडक्ट करने के लिए, होली आवर कंडक्ट करने के लिए यू एम माई सिस्टर्स को हम सभी पल्लीवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां। आज के मिसा के भजनों को सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए और हमें प्रार्थनामय लय में लाने के लिए दीप लकड़ा एवं उनके साथ हमारी बहनें मिलकर आज का गीत गाए हैं। हम सभी पल्लीवासियों की तरफ से तालियां बजाकर उन्हें ईश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। नए वर्ष शुरू होने के लिए कुछ समय बाकी हैं, फिर भी आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। Wish you all an advanced happy new year. Same to you, Father. अभी हम सभी अंतिम आशीष के लिए खड़े हो जाएंगे। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा कि आप लोग उनके द्वारा जीवन प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को नानाविध सहायता प्रदान की है, उसे अभी तथा भविष्य में दयापूर्वक समृद्धि दे कि वह नश्वर संसार के बीच तेरी स्वांदना से सफल होकर अनेश्वर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करती रहे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विताले क्रिस्त के प्रेम में जीवन बिताएं।